हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोम क्लासेस में। दोस्तों, यूपी टेट का जो आज एग्ज़ाम हुआ है वो एग्ज़ाम के बहुत अच्छे तरीके से आप जानते हैं कैंसिल हो चुका है, पेपर लीक हो चुका है। कैंडिडेट को जो एग्ज़ाम मिला था, पेपर मिला था, वो उनसे वापस सेंटर में ले लिया गया था। अब सेंटर से बाहर जो कैंडिडेट निकले हैं उन्होंने बताया कि पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था, सरकारों की इसमें कुछ ना कुछ गलतियाँ रही हैं, अधिकारियों की गलती रही है कि पेपर लीक हुआ है। आप पर इसका क्या लीक, पेपर लीक को आपका क्या मत है, वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। जो कैंडिडेटों से हमें क्वेश्चन मालूम पड़े हैं वो आपसे डिस्कस कर रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहिएगा। क्वेश्चन संस्कृत से है, दिया था कि 53 को क्या लिख सकते हैं, तो 53 का जो उसका राइट आंसर था 53, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 55 था कि 55 को क्या लिखा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 55, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीचे है 13 को संस्कृत में क्या लिखा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन था कि चिड़िया को संस्कृत में क्या लिखा जाता है, तो जो कैंडिडेट ने संस्कृत भाषा को चुना होगा वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि चिड़िया को संस्कृत भाषा में चटका कहा जाता है, इसका राइट आंसर है। मनोसामाजिक सिद्धांत पूछा गया था, जो मनोसामाजिक सिद्धांत है वो किसके द्वारा है, तो मनोसामाजिक सिद्धांत 1 दशन जो है इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अधिगम स्तर का निम्नतम स्तर क्या है, अधिगम स्तर का, क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से अधिगम से निश्चित क्वेश्चन, चाहे वो सुपर टेट हो, यूपी टेट हो, या टीचर लेवल का कोई भी एग्जाम हो, अधिगम से क्वेश्चन निश्चित तौर पर बनता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11। आगे क्वेश्चन है 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष पूछे गए थे कि 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं, तो 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिड़ला हैं जो इसके अध्यक्ष थे। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में सदस्यों की संख्या पूछी गई थी कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, तो उत्तर प्रदेश विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्याओं की यदि मैं आपसे बात करता हूँ तो वो कुल संख्या 100 है। महर्षि का संधि विच्छेद पूछा गया था कि महर्षि का संधि विच्छेद बताइएगा, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा महा प्लस ऋषि, इसका संधि विच्छेद होता है। उपगडम में समास कौन सा है, तो उपगडम में जो समास है वो अव्यय भाव समास हो जाएगा, इसका राइट आंसर है अव्यय भाव समास। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, ये भी निश्चित तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो जानते होंगे प्याजे के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, नदी विभक्ति प्रथम एक वचन पूछा गया था जिसका राइट आंसर हो जाएगा नदी है। सूरज का 7वां घोड़ा, गुनाहों का देवता, रचना किसके द्वारा रचित हैं गुनाहों का देवता, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है धर्मवीर भारती का। सूरज का 7वां घोड़ा निश्चित हर दूसरी तीसरी परीक्षा में जिसमें हिंदी पूछी जाती हो उसमें ये दो रचनाएं निश्चित तौर पर धर्मवीर भारती जी की पूछी जाती हैं, गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, तो इसकी जो रचनाता हैं वो धर्मवीर भारती जी के द्वारा ये रचित हैं। कफन के रचनाकार कौन है, कफन जो रची है वो किसने रचिता है, कफन को जो कफन एक उपन्यास है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद, जिनको स्तंभ कहा जाता है हिंदी रचना का, कहानियों का। कालिदास की रचना नहीं है, पूछा गया था कि इनमें से कौन सी कालिदास की रचना नहीं है, अभिज्ञान शाकुंतलम उनकी रचना है, विक्रमोर्वशीयम उनकी रचना है, मेघदूतम उनकी रचना है, पर अरुबडम उनकी रचना निश्चित तौर पर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। श्री प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है, तो श्री प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप श्री इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा नियम थारनाइक का नहीं है, देखिएगा कौन सा नियम थारनाइक का नहीं है, तो इसमें हमको देखना था तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, पुनरावर्ती का नियम, तो पुनरावर्ती का जो नियम है यह नियम थारनाइक का नहीं है। किडर गार्डन पद्धति किसके द्वारा शुरू की गई थी, देखिए किडर गार्डन पद्धति किसके द्वारा शुरू की गई थी, तो किडर गार्डन पद्धति जो शुरू की गई थी वो फ्रोबेल के द्वारा शुरू की गई थी। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो बहुबुद्धि का जो सिद्धांत दिया है वो गार्डनर ने दिया है, बहुबुद्धि का सिद्धांत। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया, देखिए निश्चित तौर पर यदि आप सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, सामाजिक विकास पढ़ते हैं, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन ना मिले तो ये संभव नहीं है किसी भी एग्जाम में, तो बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया गार्डनर ने। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत जो दिया गया था वो स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया था। पंचवटी में समास पूछा गया था कि पंचवटी में कौन सा समास है, तो पंचवटी में जो समास हो जाएगा द्विगु समास
पंचवटी में समास है। आगे जो क्वेश्चन हमें मालूम पड़े हैं वो भी आपसे डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हिमालय गंगा से निकलती है और गंग में कौन सा कारक है, में कौन सा कारक पूछा गया है। तो आप पढ़े होंगे कर्ता को कर्म में, करण से या पदान के लिए वगैरह वगैरह समास कारक आप पढ़ते रहे होंगे। तो जिसने हिंदी अच्छे से की होगी, कर्ता कारक, अपदान कारक, करक कारक, अधिगम कारक चाहते तो बहुत आसान इसको आंसर दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपदान कारक। 1 अप्रैल को बुधवार है। तो देखिएगा कुछ क्वेश्चन ऐसे ही थे, देखिए बिल्कुल राइट क्वेश्चन तो हम लेकर श्योर नहीं, बिकॉज कैंडिडेट ने बुद्धि को अपने जो बाहर उसके भी मतलब स्मृति में रहे होंगे क्वेश्चन, उन्हीं को लाकर बाहर में बताया है किस तरह के क्वेश्चन पूछे हैं। 1 अप्रैल को बुधवार है तो 3 माह बाद कौन सा दिन होगा, ये क्वेश्चन था। तो वो कुछ आंसर होगा, बस आप कमेंट करके बता सकते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन कैंडिडेट को इतना ही याद रहा है। इस तरह के कुछ क्वेश्चन आए थे, क्योंकि ये भी आप श्योर करें कि हाँ ये क्वेश्चन पेपर में आए हैं या नहीं, क्योंकि अभ्यर्थी ने हमें बाहर निकलने के बाद हमने कई कैंडिडेटों से क्वेश्चन एक दो मालूम किए हैं, क्योंकि पूरा पेपर 1 घंटे बाद जैसा हमें सुनने को मिला है वापस ले लिया गया था सेंटर के अंदर से। तो कैंडिडेट को जो क्वेश्चन याद रहे वो उन्होंने हमें अपनी स्मृति के आधार पर बता दिए। देवता में लिंग पूछा गया था कि देवता में लिंग क्या है, तो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग या अभ्यलिंग, तो ये भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। पत्तियों में हरा रंग किस वर्ण की उपस्थिति के कारण होता है, देखिए नॉर्मल क्वेश्चन है, पत्तियों में हरा रंग जो है क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होता है। ये बहुत अच्छे तरीके से आप जानते हैं जो साइंस वगैरह से बैकग्राउंड से होंगे, तो उसके लिए नॉर्मली क्वेश्चन है, बट जो जीके वगैरह भी पढ़ रहे होंगे कैंडिडेट वो भी इस क्वेश्चन को सीधे सीधे क्वेश्चन को आंसर दे सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन क्वेश्चन में पूछे गए हैं जो हम आपसे आगे पूछा गया था। देखिएगा कुछ क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं कि दतोष्ट वर्ण है, दतोष्ट वर्ण जो दिए भी गए होंगे वहाँ वर्ण जो आप जानते हैं दतोष्ट तालव्य वगैरह वर्ण होते हैं, दतोष्ट के जो वर्ण हैं वो वै वर्ण है। बोना का तत्सम रूप पूछा गया था कि बोना का तत्सम रूप क्या है, तो वो भी आपको आंसर बताना था बोना का तत्सम रूप क्या होता है। अंगुली को संस्कृत में क्या कहेंगे, अंगुली जो होती है फिंगर बोलते हैं आप जिसको, अंगुली को संस्कृत में क्या कहेंगे, वो भी क्वेश्चन पूछा गया था, अंगुली को क्या कहते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन था। आगे देखते हैं कि आगे क्या पूछा गया है। भाषा सिद्धांत दिया, भाषा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो चोमोस्की जो आप जानते होंगे उनके द्वारा भाषा सिद्धांत दिया गया। कोहलर के अनुसार बच्चे सीखते हैं, देखिए निश्चित क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है, बच्चे सीखते हैं क्वेश्चन आता रहता है। सी टेट देंगे आपको ये क्वेश्चन वहाँ भी देखने को मिल सकते हैं, तो जो कि सी टेट देना है जिनको, और यूपी टेट फिर दोबारा होना है, विज्ञापन जल्द ही जारी किया जाएगा उसको लेकर भी हम बताएंगे। कोहलर के अनुसार बच्चे सीखते हैं। अकाल त्रय रचना संस्कृत में क्या, ये बताना था कि अकाल त्रय रचना है संस्कृत में। और अनुबंध अनुक्रिया सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, अनुक्रिया अनुबंध अनुक्रिया सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, थार्नाई के द्वारा सिद्धांत दिया गया था। तो इस तरीके से दोस्तों जो भी क्वेश्चन हमें मालूम पड़े हैं कैंडिडेट से, जो कैंडिडेट एग्जाम देके बाहर निकले थे उनसे हमने क्वेश्चन मालूम किए हैं, और जो क्वेश्चन हमें मालूम किए हैं हमने वो आपसे शेयर किए हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और जो पेपर लीक हुआ है उस पर आपकी क्या राय है वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।